हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साड़ी को पिको बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने साड़ी ली है, ये सिल्क साड़ी है, तो इसको हम पिको लगाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ हमें पिको लगाना है, तब ये सिल्क साड़ी है तो इसके दोनों किनारे, तो इसे हम पिको लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जहाँ पिको लगाना है उसे हम इस तरह से देखेंगे कि इसकी जो किनारे है ये सीधी है कि नहीं। अगर सीधी हो तो हम इसे कट नहीं करेंगे, और अगर सीधी ना हो तो इसे हम सीधा स्ट्रेट इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसे हम इसे थोड़ा सा लाइटली कट कर लेंगे। तो ये नीचे के साइड्स के अकॉर्डिंग हम इसे सीधा कट करते जाएंगे। अगर ये पोर्शन अगर सीधा कट हो तो हमारा पिको ही अच्छे से आएगा, वरना ये जो धागे निकलेंगे पिको करते वक्त, तो इसे हम इस तरह से सीधा स्ट्रेट कट कर लेंगे। पहले हम साड़ी को सीधा रख लेंगे और इसे एकदम सीधा स्ट्रेट कट करते जाएंगे। तो देखिए हमें इसे सीधा कट करना है। तो देखिए हमने इसे सीधा कट कर लिया है, अब इसे हम पिको लगाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे ये साड़ी की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, तो हमें उल्टी साइड से यहाँ पे पिको लगाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए पिको फुट लगाया है, और यहाँ पे हम सिलेक्टर को, तो जो सिलेक्टर है, तो देखिए सिलेक्टर है, तो सिलेक्टर का जो एफ साइड है, तो यहाँ पर हम ये जो एरो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो इसे ये झिकझक सिलाई आती है, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम पिको लगाएंगे। तब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और धागे को हम थोड़ा सा इस तरह से लेंगे। अब धागे को हम हाथों में लपटेंगे, और इस साइड जो है ये पिको वाला जो राउंड है, इसमें हम ये साड़ी का एक किनार इसमें इस तरह से राउंड के लिए रखें, ये देखिए इस तरह से डालेंगे इसमें, तो ताकि साड़ी अच्छे से राउंड में आ जाए। तो देखिए हम इसके अंदर डाल देंगे और ये हमारी यहाँ पे राउंड में सिलाई आएंगी पिको के लिए। तो इस तरह से हम राउंड करेंगे, ये उंगली यहाँ पे रखेंगे और एक हाथ से थोड़ा हल्के हाथों से यहाँ से साड़ी को थोड़ा सा खींचते जाएंगे। हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, सिर्फ हल्के हाथ से। तो देखिए इस तरह से मस्त, ये देखिए बहुत ही बढ़िया इस यहाँ पे राउंड में ये सिलाई आ रही है। पिको हो चुकी है, ये देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे
इस तरह से राउंड में ये सिलाई हो चुकी है। तो देखिए तो इस तरह से हमने यहाँ पे यह साड़ी को पीको लगा लिया। इसी तरह हम दूसरे पल्लू को साइड भी हम इसी तरह पीको करेंगे। तो देखिए साड़ी के हमने दोनों साइड को पीको लगा दिए, अंदर की साइड भी और पल्लू को भी। तो इसी तरह से साड़ी को हमारी पीको हो चुकी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।